नीतीश नायडू की डिमांड बेशुमार। चिराग मांझी शिंदे ने भी रखी बड़ी शर्तें, कैसे पूरी होगी सबकी मांग। टेंशन में बीजेपी, कैसे बनेगी सरकार। आजकल बीजेपी के लिए कुछ भी अच्छा होता नहीं दिख रहा है। लोकसभा चुनाव में सीटें गंवाई, एनडीए का आंकड़ा भी काफी नीचे गिरा, पर गनीमत रही कि एनडीए को बहुमत मिला। लेकिन इस बार बीजेपी 242 के आंकड़े पर सिमट गई, जिसके बाद अब उसे गठबंधित पार्टियों का ही सहारा है। बीजेपी गठबंधित पार्टियों के सहारे सरकार बनाने जा तो रही है, लेकिन अब उनके घटक दलों ने अलग ही परेशानियां पैदा करने शुरू कर दी हैं, क्योंकि क्या नीतीश कुमार, क्या चंद्रबाबू नायडू, क्या मोदी के हनुमान चिराग, क्या मांझी और क्या एकनाथ शिंदे, सब अपनी अपनी डिमांड बीजेपी आलाकमान से कर चुके हैं। आज तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक इनमें से कुछ डिमांड ऐसे हैं जो बीजेपी के पसीने छुड़ा रहे हैं। इन डिमांड्स के आने के बाद से बीजेपी दोहरी चिंता में पड़ी है। चिंता इस बात की है कि सरकार तो कैसे भी बनानी ही है। चिंता इस बात की भी है कि अगर इन सभी डिमांड्स को पूरी नहीं की गई तो कहीं ये सभी सरकार से समर्थन न खींच लें। चलिए आज तक की रिपोर्ट के हवाले से बताते हैं कि बीजेपी के सामने किसने क्या क्या डिमांड रखी है। आज तक ने अपने सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट में बताया है कि नीतीश कुमार की जेडीयू ने कैबिनेट में 3 मंत्रियों की मांग की है। वहीं महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने 1 कैबिनेट और 2 एमओएस की डिमांड रखी है। वहीं आज तक ने अपनी रिपोर्ट में ये भी बताया है कि खुद को मोदी का हनुमान कहने वाले चिराग के तेवर भी अब बदले नजर आ रहे हैं, क्योंकि मौका पाते ही चिराग ने 1 कैबिनेट और 1 राज्य मंत्री की मांग कर दी है। वहीं हम यानी जीतनराम मांझी की तरफ से भी 1 कैबिनेट मंत्री पद की डिमांड की गई है। वहीं नीतीश के बाद टीडीपी के मुखिया चंद्रबाबू नायडू की भी डिमांड के बारे में आज तक ने अपनी रिपोर्ट में बताया है, जिसके मुताबिक टीडीपी ने तो सबसे बड़ी डिमांड कर दी है जो कि लोकसभा स्पीकर का पद है। टीडीपी ने अभी से ही उस पर अपना दावा ठोक दिया है। साथ ही चंद्रबाबू नायडू के बारे में तो रिपोर्ट में ये बताया गया है कि वो स्पीकर के साथ 5-6 मंत्री पद की डिमांड कर सकते हैं। वहीं नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने अपने अपने राज्यों के लिए स्पेशल दर्जे की मांग भी कर सकते हैं। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि नीतीश और नायडू इससे कम में मोदी की दाल नहीं गलने देंगे। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन को 292 सीटें मिली हैं, जिनमें बीजेपी के बाद सबसे ज्यादा 16 सीटें चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी के पास, उसके बाद जेडीयू जिसे 12 सीटें, उसके बाद 7 सीटों के साथ शिवसेना शिंदे ग्रुप, वहीं चिराग पासवान वाली पार्टी को 5 सीटें मिली हैं। ये सभी 5 या 5 से ज्यादा सीटों वाली पार्टियां हैं जो कि रिजल्ट के बाद एनडीए की सरकार बनाने में बेहद बड़ा रोल अदा करने वाली हैं। इस बात का इल्म बीजेपी को भी है, क्योंकि अगर इन सभी ने बीजेपी से मुंह मोड़ लिया तो अभी तो केवल सीटें ही कम हुई हैं, इसके बाद सत्ता भी हाथ से फिसल जाएगी। इसी बात की चिंता बीजेपी को साल रही होगी। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।